हम जब भी कोई चीज आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो वापस जमीन पर आ गिरती है। ये कशिशे सकल है जिसकी दरियाफ्त का सेहरा न्यूटन के सर बांधा जाता है। लेकिन हकीकतन क्या इसको सबसे पहले न्यूटन ही ने दरियाफ्त किया था या कुरान 1400 साल पहले ही इस पर से पर्दा उठा चुका था? और ये ग्रेविटी है क्या, आए देखते हैं। साइंसी तहकीकात के मुताबिक कशिश शक्ल की पैदाइश उस वक्त हुई जब कायनात सिर्फ एटमी जर्रात का धुआं थी और डार्क एनर्जी इन जर्रात को फैलाती जाती थी। तब ग्रेविटी ने इसके बरखिलाफ जर्रात को मिलाकर सैयारे, सितारे और कहकशाओं को बनाने का आगाज किया। कुरान इस तारीखी हकीकत को सूरह हामीम सजदा में यूं बयान करता है कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उस वक्त वो सिर्फ धुआं था, तब हमने उसको और जमीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी से चाहे जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा हम बखुशी हुक्म बजा लाकर वजूद में आते हैं। फिर साइंस अगले मरहले का जिक्र यूं करती है कि इस कशिश शक्ल ने पूरे आसमानी निजाम को जकड़कर ऐसा मुसख़र कर दिया कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हट सकता। और कुरान इस मरहले को भी सूरह फातिर में यूं बयान करता है कि बेशक अल्लाह ने जमीन और आसमान को मजबूती से थामा और जकड़ा हुआ है कि कहीं वो अपने मुकाम से हट ना जाएं। इसके बाद साइंस कहती है कि कशिश में जकड़ने के साथ साथ एक तवाजुन भी कायम हो गया। इसी तवाजुन के हवाले से कुरान सूरह रहमान में यूं कहता है कि और उसने आसमान को बुलंद किया और मीजान कायम कर दी, तो उसका तकादा यह है कि तुम इस मीजान में खलल ना डालो। फिर साइंस इसी ग्रेविटी के बारे में कहती है कि यह इस कदर ताकतवर है कि हम जमीन की सतह और फिजा से बाहर निकल ही नहीं सकते जब तक कि हम इस ग्रेविटी के खिलाफ इंतहाई कुव्वत इस्तेमाल न करें। इसी के लिए आज रॉकेट बनाए गए हैं। और इसी अजीम हकीकत को कुरान यूं बयान करता है कि ऐ गरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम जमीन और आसमान की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो फिर भाग कर दिखा दो, और तुम नहीं भाग सकते इसलिए कि इसके लिए बहुत कुव्वत की जरूरत है। आगे चलकर साइंस कहती है कि कायनात की तबाही भी इसी ग्रेविटी के खत्म या कम होने की वजह से होगी। कुरान इस अजीम तबाही को कयामत का नाम देकर सूरह हाका में यूं बयान करता है कि और कयामत के दिन आसमान फट जाएगा और उस दिन उसकी बंदिशें ढीली पड़ जाएंगी। और फिर कशिश शक्ल की कमी की वजह से बुनियादी एटम तक बिखर जाएंगे जैसे पानी। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, लेकिन अगर समंदर में मौजूद पानी के ये एटम टूटकर अलग हो जाएं और फिर उनमें आग भी लग जाए तो इस भड़कने वाली आग का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन कुरान सूरह तकवीर में इसकी भी पेशेंगोई करता है कि और जब कयामत के दिन समंदर आग से भड़क उठेंगे, मगर दुख की बात यह है कि मुसलमानों समेत सब लोग कशिश शक्ल की दरियाफ्त का सेहरा न्यूटन के सर बांधते हैं। और दूसरों को तो छोड़ें, खुद मुसलमानों तक को यह पता नहीं कि कशिश शक्ल की तमाम तर जरूरी तफसीलात कुरान ने आज से 1400 साल कबल ही दुनिया को बता दी थी।